जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंडियन आर्मी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा एनसीसी विंग बेस्ट है, विच एनसीसी विंग इज द बेस्ट। दोस्तों इसके ऊपर पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि किस विंग में सबसे ज्यादा एंट्रीज मिलता है डिफेंस फोर्सेज के लिए एंड कौन सा विंग सबसे बेस्ट है एनसीसी में। तो वीडियो में तक बने रहिएगा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं, एनसीसी में तीनों ही विंग बेस्ट है, तीनों ही विंग अच्छा है, क्योंकि एनसीसी का काम होता है देश के यूथ में राष्ट्र की भावना पैदा करना, उनमें डिसिप्लिन और यूनिटी को बढ़ावा देना, टीम लीडरशिप, टीम स्पिरिट पे काम करना, उनके टीम स्पिरिट को बढ़ाना, साथ ही उनको डिफेंस फोर्सेस के लिए प्रिपेयर करना, डिफेंस फोर्सेस के बारे में बताना, साथ ही फौजी लाइफ से रूबरू कराना, ये एनसीसी का काम होता है। इसलिए एनसीसी में तीनों विंग बेस्ट है। और आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा विंग सबसे बेस्ट है एंट्री वाइज, किस विंग में सबसे ज्यादा एंट्री मिलता है डिफेंस फोर्सेस के लिए एंड कौन सा सबसे बेस्ट है। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले एनसीसी आर्मी विंग की बात करते हैं। अगर आप एनसीसी आर्मी विंग में ज्वाइन करते हो तो आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती में बेनिफिट मिलेगा, साथ ही स्टेट पुलिस में, एसएससी जीडी कांस्टेबल में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, साथ ही दिल्ली पुलिस, एसएससी एमटीएस सीजीएल जैसे एग्जाम में 5 से 10 मार्क का बोनस मार्क मिलेगा। एंड साथ ही ऑफिसर एंट्री की बात करें तो एनसीसी आर्मी विंग वालों के लिए इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, साथ ही सीडीएस एग्जाम में 13 वैकेंसी रिजर्व होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। तो दोस्तों यह बेनिफिट होता है एनसीसी आर्मी विंग वालों के लिए। सेकंड, एनसीसी एयर विंग की बात करें तो अगर आप एनसीसी एयर विंग को ज्वाइन करते हो तो आपको इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती में बेनिफिट मिलेगा, साथ ही स्टेट पुलिस, एसएससी डीडी कांस्टेबल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, साथ ही एसएससी सीजीएल एमटीएस, एसएससी दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में आपको 5 से 10 मार्क बोनस मार्क्स मिलेगा। एंड अगर ऑफिसर एंट्री की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के एफकैट एंट्री में 10% वैकेंसी रिजर्व होती है एनसीसी एयर विंग वालों के लिए, साथ ही इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री में भी एनसीसी एयर विंग वाले कैडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने एनसीसी एयर विंग में सी सर्टिफिकेट किया है तो आपको इंडियन नेवी में भी काफी एंट्रीज में बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ये सारे एंट्रीज या बेनिफिट एनसीसी एयर विंग वालों को मिलता है। थर्ड, अगर एनसीसी नेवल विंग की बात करें तो अगर आप एनसीसी नेवल विंग को ज्वाइन करते हो तो आपको इंडियन नेवी अग्निवीर भर्ती में या जितने भी सोल्जर लेवल की भर्ती होती है उनमें बेनिफिट मिलेगा, साथ ही स्टेट पुलिस, एसएससी जीडी कांस्टेबल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एसएससी सीजीएल एमटीएस, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में 5 से 10 मार्क बोनस के तौर पे मिलेगा। साथ ही ऑफिसर एंट्री की बात करें तो इंडियन नेवी एंट्रेंस एग्जाम में कुछ परसेंट बेनिफिट आपको मिलेगा, साथ ही इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री में भी नवल विंग वाले कैडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यह एंट्रीज और बेनिफिट एनसीसी नवल विंग वाले कैडेट्स को मिलता है। तो दोस्तों मैंने वन बाय वन एनसीसी सभी विंग के बारे में बता दिया है आपको कि किस विंग में कितने एंट्रीज या बेनिफिट मिलता है। तो एंट्रीज और बेनिफिट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एनसीसी एयर विंग सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि एनसीसी एयर विंग वाले कैडेट आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ही फोर्सेस में एज अ ऑफिसर ज्वाइन हो सकते हैं, साथ ही एयरफोर्स या स्टेट पुलिस में सोल्जर भी बन सकते हैं। अगर किसी कैडेट को ऑफिसर लेवल पे भर्ती होना है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी में, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एनसीसी एयर विंग को ज्वाइन करें, क्योंकि एयर विंग को अगर ज्वाइन करते हो तो आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी तीनों ही फोर्सेस में एज अ ऑफिसर ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन अगर किसी कैडेट को एज अ सोल्जर ज्वाइन होना है फोर्सेस में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एनसीसी आर्मी विंग को ज्वाइन करें, क्योंकि आर्मी विंग की जो ट्रेनिंग या परेड है वो टफ होता है एज कम्पेयर टू एयर विंग और नवल विंग, तो ये सोल्जर्स के लिए बेस्ट होता है। एंड एंड में मैं एक ही बात कहूंगा कि तीनों ही विंग बेस्ट होता है एनसीसी में या फोर्सेस में, वो आपके कैपेबिलिटी एंड आपके इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि आपको कौन सा ज्वाइन करना है। लेकिन अगर एंट्री वाइज देखा जाए तो एनसीसी में एयर विंग सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें लक्ष्य इंडियन आर्मी चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो हमेशा देखने के लिए। मिलते बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।